नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है लाइफ ऑफ लविशा। तो आज हम आए हुए पिकू जिनीवाड़ी। तो यहाँ पे आने के लिए आपको थाने से इसका जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर थाने स्टेशन से। तो दोस्तों ये है टिकू जिनीवाड़ी का मेन एंट्रेंस। इसी के बाहर लेफ्ट साइड में आप बाइक पार्किंग कर सकते हो यहाँ पे, और इसके राइट साइड में आप थोड़ा अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे कार पार्किंग अवेलेबल है, लाइन से आप कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, तो आपके पास अगर टाइम होगा तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। और बाइक और कार पार्किंग के चार्जेस नहीं है, फ्री पार्किंग है। यहाँ से एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में ही टिकट काउंटर है। भाई जैसे ही आप एंट्री करते हो यहाँ पे टिकट काउंटर उस तरफ है। अभी हम टिकट निकालने जा रहे हैं तो दिखा दे कितने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट के चार्जेस दिए हुए हैं और उसके क्या रूल्स है वो भी आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड होगा वो टिकट चार्जेस में वो सब दिया हुआ है यहाँ, तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हमने टिकट ले लिया है। टिकट कुछ ऐसे दिखते हैं, एंट्री फीस का है 805, GST और CGST लगा के 72.46 का, और टोटल इसका आता है 950। यहाँ पे एंट्री करने से पहले आपकी बैग चेकिंग होगी और बैग को टैक्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे इनका जो रूल है वो है कि बाहर का पानी का बोतल अलाउड नहीं है, जो आप ख़रीदते हो बिस्लरी वगैरह वो नहीं अलाउड है। आप चाहिए तो घर से जो बोतल अपने हमारे घर के होते हैं वो उसमें वो अंदर कैरी कर सकते हो, ऐसा है। तो आगे उनको टिकट दिखाना है, अब हम जा रहे हैं टिकट दिखा के फिर एंट्री मिलेगी हमें। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ पे अब हमारी होगी टिकट चेकिंग। सर थैंक यू, वेलकम। ये है एंट्री, और यहाँ पे चिल करने के लिए भी जगह है। आप चाहिए तो यहाँ पे पूरा चिल कर सकते हो, अगर थक गए हो तो यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो। पूरा स्पेस दिया हुआ है, खाट दिए हुए हैं आराम से बैठने के लिए यहाँ पे, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा आगे। इसे कहते हैं लेजी रिवर। यहाँ पे टब लेना होता है और बस बैठ के छिल मारना होता है। लेजी रिवर के साइड में जेंट्स टॉयलेट एंड चेंजिंग रूम यहाँ पे ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे जो है वो लेडीज़ का है यहाँ पे, उसके उसी के नीचे। यह है जेंट्स का चेंजिंग रूम, यहाँ पे लॉकर्स भी दिए हुए शायद। लॉकर्स भी फ्री है, तो कुछ कॉस्टिंग है नहीं, बैग वगैरह रख सकते हो आप बट अपने रिस्क पे। यहाँ पे चेंजिंग रूम में लॉकर्स अवेलेबल तो है, आप चाहिए तो यहाँ पे आपके खुद के रिस्क पे बैग रख सकते हो, या तो फिर अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से जैसे आप बाहर निकलोगे लेफ्ट साइड पे नीचे एक लॉकर रूम है, अभी हम वही जा रहे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें रखनी है जैसे मोबाइल वॉलेट हो गया, तो वो आपके लिए ये लॉकर्स है यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी साइजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, बहुत बड़े लॉकर्स हैं। बट इसका जो रेट है मतलब रेंट जो लोग लेते हैं वो है 200 रुपीज़, तो इसमें आप लगा सकते हो। उसके लिए उसका जो काउंटर है वो आगे है, वो इसका कैश काउंटर यहाँ पे, वो खाली कैश ही लेते हैं और कुछ नहीं है, जीपे वगैरह नहीं चलता है यहाँ पे। और ये किड्स सेक्शन है पूरा, किड्स खेल सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्रुप। दोस्तों ये जो सेक्शन है किड सेक्शन, ये चालू होता है 11 बजे, अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे शायद स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे वो चालू है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं।
और यहाँ पे सब स्लाइड्स है। यहाँ पे आपको वेव पूल्स के टाइमिंग दिए हुए, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ, ऐसे चार वेव है, पाँच बजे तक होता है। फिर टाइमिंग भी आप याद रखिएगा, तो वो वेव पूल यहीं पे होता है, इसी के पीछे ये जो स्विमिंग पूल है वहीं पे होता है। और बाकी स्लाइड्स कहाँ पे है उसका डायरेक्शंस भी दिए हुए, फैमिली पूल कहाँ पे है। तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ये बेसिक है, यही आपको स्टार्ट में एंड यही मिलेगा 11 बजे के पहले। ये स्लाइड सबसे टॉप वाली स्लाइड है, इसके लिए थर्ड फ्लोर आपको चढ़ना पड़ता है, ये लेकर ऊपर आना पड़ेगा। और इसमें दो जन बैठ सकते हैं, दो दो जन का स्लाइड चाहिए। सबसे लॉन्गेस्ट राइड है। लगने वाली बहुत पीड़ में जा रही हो, बच गई। यहाँ पे गाइस बच्चे खेल सकते हैं, काफ़ी लो है पानी, तो बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के अंदर वाले या फिर ऐसा, तो वो लोग, उनके लिए ये सेक्शन है यहाँ पे। ऐसी हरकत यहाँ ना करे, दिख रहे बच्चे लेकिन है नहीं बच्चे, 35 साल की है ये। दोस्तों वेव पूल के बगल में ही ऊपर आकर आप देख सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री के स्लाइड्स है और एक 60 डिग्री का। पैर खोल दिया इसने। वेव्स का अंदाज़ आप सीधे दीवार पे देख के लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइंस दिए हुए, पाइप दिया हुआ है, उसके आगे ना जाए, जिसको स्विमिंग नहीं आती वही मैं जा रहा हूँ।
साधना में लीन सर। ये हमारे बाबा हाँ कर कर ऐसा तैरने की कोशिश मत करना, बहुत रिस्की है ये। वो देखो मेरे कुछ दोस्त लोग एकदम एंटर गए हुए, तो वहाँ पे से वो लोग ही जाए जिसको स्विमिंग आता है। ये हाइट सिर्फ 2 फुट का ही है पानी। 2 फुट के इसमें इसका ये हाल है। ये यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, 4 तो उधर लिखा है, तो सीधी बात है ये 2 फुट है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते दोस्तों, हमारे साथ साक्षात शक्तिमान यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं शक्तिमान खड़े हुए हैं हमारे हमारे सेफ्टी के लिए। वो देखो आ रहे हमारे, हमको बचाने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको फोटोशूट भी करना है, फोटोज निकालने हैं अच्छे बैकग्राउंड के साथ, तो ये यहाँ पे आप निकल सकते हो। यहाँ पे पानी भी आ रहा है अच्छे से, तो बैकग्राउंड में अच्छे फोटोज आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके मेन्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड थाली जो है वो 270 की है, बाकी तो मेन्यू में है ही, ऑप्शंस बहुत सारे, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। और यहाँ से जो स्टेप जिक्र है, उधर से ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे पूरा एरिया है बैठने के लिए, खाने के लिए। दोस्तों अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पे चिल मारने के लिए एरिया भी है। काफ़ी बड़ा है, कहीं पे भी चिल मार सकते हो, ऐसा थक जाते तो आराम कर सकते, ऐसे बेड्स दिए हुए उसमें लेट कर। मैं इधर बैठूं।